हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मोइजिन चैनल में। आज हम बात करने वाले ड्रैगन बॉल जी के एपिसोड 212 के बारे में। अभी तक आपने अगर इसके पहले वाले 211 एपिसोड्स नहीं देखे हैं, जो कि आई बटन पे एज इट इज आपको मिल जाते हैं, जाके उन चीजों का मजा उठाओ, इस वीडियो को कंटिन्यू करो। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो। साथ ही साथ इस एपिसोड को पूरा देखो और आपका एक फेवरेट मोमेंट कमेंट डाउन भी कर देना। तो चलिए देखते हैं ड्रैगन बॉल जी एपिसोड 212। तो दोस्तों, अब तक हमने इस एपिसोड में देखा है जहाँ पर मैच चालू हो चुकी है इस जूनियर कंपटीशन में, जहाँ आ जाते हैं मिस्टर सेटन, सब लोगों का हौसला बढ़ाते हैं, मैच स्टार्ट होती है, जहाँ पर बच्चे रोते रोते ही मैच जीत रहे हैं, जहाँ एक रोता हुआ बच्चा सामने वाले को धूल चटा देता है और ग्राउंड से बाहर भी फेंकता है। फिर आता है सुमो रेसलर, जिसके पीछे छुप जाता है एक्चुअल में दूसरा वाला बंदा, जो कि सीधा ही रेफरी के साथ उस बच्चे को नीचे फेंक देता है। अब बारी आती है ट्रंक्स की, जिसको एक्चुअल में छेड़ा था वही बंदा आता है एक्चुअल में इसके साथ लड़ने के लिए, जो उसको एक लात मारता है, नीचे फेंक देता है, बेहोश हो जाता है। ट्रंक्स की जीत होती है और इधर गोटन भी साइड से जीतते हुए फाइनल तक पहुंच चुका है। इधर ट्रंक्स भी पहुंच चुका है, जहां हम देखते हैं ट्रंक्स की मैच उसी सेम बच्चे के भाई से हो रही है जिसने एक्चुअल में ट्रंक्स को थोड़ा सा परेशान किया था, जहां वो अपने एक मुक्के और एक हाथ के सहारे उसे रोकने की कोशिश करता है। जहां उसे बोर होता है तो वो सीधा है उसको झटका मार देता है, जिस झटके के कारण से वो बच्चा नीचे गिरता है। और इधर गोटन भी जीत चुका है। अब आ चुके हैं ट्रंक्स और गोटन मैदान में, जहां इन दोनों की लड़ाई अभी भी जारी है और इसी नोट पे इस एपिसोड की शुरुआत होती है। अब बड़े बड़े ब्लास्ट देखकर ये सारी ऑडियंस हैरान है, जहां सेटन भी परेशान दिख रहा है, जहां एक के बाद एक मुक्के लाते भूसे चल रहे हैं ट्रंक्स और गोटन के बीच में, जहां हम देखते हैं ये दोनों ही नीचे आ चुके हैं, जो फिर से लड़कर ऊपर जा रहे हैं। अब लड़ाई के बाद ये लोग नीचे आते हैं और फिर से रेडी हो चुके हैं मारने के लिए, जहां पर ये अनाउंसमेंट करता स्टेज के नीचे उतर चुका है, जो कि यही कह रहा है कि अब और मजा आने वाला है। तभी ये देखकर विडेल भी बहुत ज्यादा शॉक में है, जहाँ पर क्रेलिन कहता भी है कि अब बहुत ही ज्यादा तेज मजा आ रहा है, जहाँ पर बुलमा और चीची बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हैं। तभी हम देखते हैं जहाँ गोटन कहता है कि अब कौन हराता है देखते हैं, जहाँ पर एनर्जी ब्लास्ट के थ्रू गोटन जो है वो मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ ट्रंक्स जो है वो साइड हट जाता है और फिर गोटन भी साइड हटता है ब्लास्ट से बचने के लिए। ये देखने के बाद ये लोग बहुत ज्यादा शॉक में हैं। तभी वहाँ पर क्रेलिन कहता है कि अब और ज्यादा मजा आने वाला है। तभी गोटन कहता है कि मैंने भी कुछ दाव पे सीखे हैं ट्रंक्स, मैं भी थोड़े आजमाता हूँ। वो कामेहामेहा टेक्निक यूज करता है और सीधा ही ट्रंक्स के ऊपर फेंक देता है, जहाँ ट्रंक्स सिंपली डॉच करता है और स्टेज के पीछे का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ही फट जाता है। जहाँ ट्रंक्स कहता है कि तुम सीख तो गए लेकिन इसे कंट्रोल करना नहीं सीखे। जहाँ ये देखकर गोकू और क्रेलिन कहते हैं कि इसे बहुत ज्यादा शक्ति की जरूरत तो है ही, लेकिन कंट्रोल की भी जरूरत है। जहाँ बुलमा देखकर भी हैरान है, ये सॉरी ऑडियंस परेशान है और इधर मिस्टर सेटन भी परेशान है, जो कि कह रहे हैं कि अगर इससे लड़ना है तो ये वाकई में दर्दनाक होने वाला है। अभी गोटन कहता है कि चलो आओ ट्रंक्स, मुझे हरा के दिखाओ। जहाँ पर अभी ट्रंक्स आने वाला है मारने के लिए, तभी हम देखते हैं जो दो भाई थे वो एक्चुअल में अंदर प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, जिनको मैच देखनी होती है, लेकिन उनकी मॉम कहती है कि तुमने मेरी आग नाक कटा दी तो तुम यही पर प्रैक्टिस करोगे जब तक मैं चाहूँ। अब वो दोनों ही प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। इधर गोटन और ट्रंक्स के बीच में फिर से लड़ाई जारी है, जहां दोनों ही भाग कर आते हैं, एक दूसरे को लात और मुक्के मार रहे हैं। जहां मारते ही इधर गोटन को फेंक देता है ट्रंक्स बहुत दूर, फिर गोटन जो है वो एयर में फ्लोट होने लगता है। तभी ट्रंक्स आता है पीछे से, उसे पकड़ता है और अभी मारने की कोशिश कर रहा है, जहां गोटन को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये देखकर क्रिलिन और गोकू भी हैरान है। तभी वहां गोटन जो है वो सुपर सैयन बन जाता है और खुद को छुड़ा लेता है। ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक में है ट्रंक्स, जो कि कहता है कि हे तुम्हें पावर नहीं यूज करनी थी, तुम्हें पता है ना। लेकिन जैसे ही सुपर सैयन बनता है गोटन और नीचे आता है, ये देखकर गोकू हैरान है, जो कि कहता है कि ये बच्चे भी सुपर सैयन बन सकते हैं क्या, अभी ऐसा भी हो रहा है, ये वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। तभी वेजिटा हंस भी देता है, जो कि कहता है कि ये हमसे ज्यादा पावरफुल होने वाला है कैकरोट, इससे पहले हमें कुछ ना कुछ करना होगा। जहाँ गोकू कहता है कि हाँ बिल्कुल सही। अब ये देखकर विडेल की भी होश उड़ चुके हैं। जहाँ अभी गोटन नॉर्मल हो चुका है, ऑडियंस बहुत ज्यादा
ज्यादा हैरान है, जो कि खुद को चिमटी भी ले रही है, जो कि कह रही है कि यह वाकई में क्या सच है। इधर सेटन की भी हालत खस्ता हो चुकी है और विडेल तो बहुत ज्यादा परेशान दिख ही रही है। तभी ट्रंक्स नीचे आता है और कहता है कि हे तुमने चीटिंग की है, सुपर सैयन नहीं बनना चाहिए था, है ना। जहाँ गोटन कहता है अरे हाँ मैं तो भूल ही गया। जहाँ ट्रंक्स कहता है कि ये तुमने जानबूझकर किया है ना, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम्हें मैं एक ही हाथ से हराऊंगा, ये डाया वाला हाथ। जहाँ वो एक हाथ पीछे लेता है और मारने के लिए आगे बढ़ता है। जहाँ गोटन कहता है वाकई में तुम्हें ऐसा लगता है तुम एक हाथ से हरा पाओगे। जहाँ ट्रंक्स कहता है कि हाँ मुझे तो लग रहा है। अब वो दौड़ के आता है और सीधा ही मारने लग रहा है। तभी इधर बुलमा और चीची चिल्ला रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को हरा दो। अब हम देखते हैं जी टीवी के कैमरामैन को, जहाँ एक भी कैमरा वर्क नहीं कर रहा है। जो एक्चुअल में बैकअप का भी बैकअप कैमरा था वो भी खराब हो चुका है। जहाँ ये लोग कह रहे हैं कि स्टेज पर किसी का भी कैमरा वर्क नहीं कर रहा है। जहाँ वो चिल्ला देता है एंकर और कहता है कि भाई ये सबसे बड़ी मैच हो रही है और हम इसका टेलीकास्ट ही नहीं कर सकते, क्या मतलब बना। अब इधर गोटन ट्रंक्स को मारता है, फिर ट्रंक्स गोटन को। अब मारते मारते ही ये दोनों ऊपर चले जाते हैं, जो कि एक दूसरे को मुक्के और लाते मार रहे हैं, जिससे ट्रंक्स भी पीछे जाता है और इधर गोटन भी। जहाँ गोटन ऊपर चले गया है और वो मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी ये देखकर विडेल बहुत ज्यादा शॉक में है, जो कि कहती है कि ये लोग इतने ज्यादा ऊपर कैसे उड़ सकते हैं, तुम्हें कैसे पता चला। जहाँ गोहान कहता है कि नहीं नहीं ये मैंने नहीं सिखाया, ये उसके अंदर की ही कला है, जिस कला की वजह से वो इतना ज्यादा ऊपर उड़ रहा है। जहाँ वो बहुत ही तेज नीचे आ रहा है, इधर ट्रंक्स रेडी है उसको मारने के लिए, और देखते ही देखते हम देख रहे हैं कि ये सारे लोग हैरान हैं और इधर गोटन नीचे आ चुका है, जो कि मारने वाला होता है। ट्रंक्स हट जाता है और फिर वो फिर से दे मारता है ट्रंक्स को, लेकिन ट्रंक्स को उधर लगती ही नहीं है। इधर घूमकर ट्रंक्स जो है वो ब्लास्ट फेंक देता है सीधा गोटन के ऊपर, जिस वजह से गोटन जो है वो स्टेज पर से जाकर सामने वाले स्टेयर्स पे गिरने वाला होता है, जो कि खुद को कैसे तो करके रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो आखिरकार उस स्टेयर्स के ऊपर पैर रख ही देता है। ये देखकर ये लोग सादा हैरान है, परेशान भी है। जहाँ गोकू कहता है कि वाकई में ये अच्छी मैच थी, लेकिन गोटन हार चुका है। ये देखकर अभी अनाउंसमेंट करता कहता है कि हाँ गोटन हार चुका है, ट्रंक्स की जीत हो चुकी है। जहाँ ट्रंक्स सुपर सैयन बन गया था। जहाँ बुलमा भी खुश है और ये लोग भी खुश है। जहाँ मास्टर रोशी कहते हैं कि बाकी सबका तो ठीक है, लेकिन मुझे इससे ही खुशी मिल रही है। जहाँ बुलमा उसे मार देती है, क्योंकि आप लोग को भी पता है मास्टर रोशी किस बारे में बात कर रहे थे। जहाँ विडेल शॉक में है, तभी वेजिटा कहता है गोकू को कि कोई बात नहीं, ये लोग तो चलते ही रहेंगे, लेकिन हमें भी अपने तरफ ध्यान देना होगा। जहाँ गोकू कहता है कि हाँ गोटन को थोड़ी सी ट्रेनिंग की तो जरूरत है ही। जहाँ गोटन नीचे आ चुका है, जो कि चिल्लाता है और गुस्से में भी है कि हे तुमने कहा था ना दूसरे हाथ का यूज नहीं करोगे, तुमने क्यों किया और सुपर सैयन भी क्यों बने। जहाँ ट्रंक्स कहता है कि तुमने एक बार चीटिंग की, मैंने भी की, अब अपना फिट्टूस हो चुका है। जहाँ ट्रंक्स कहता है कि ये छोड़ो, मैं तुम्हें 3 खिलौने चूज करने को दूंगा जो मेरे होंगे, तुम कोई भी चूज कर सकते हो। ये सुनकर गोटन बहुत ज्यादा खुश होता है। ये दोनों ही स्टेज पर आते हैं और ये लोग खुश है। जहाँ अनाउंसमेंट कर्ता ने कह दिया है कि अब अगली फाइट होने वाली है ट्रंक्स और मिस्टर सेटन के बीच में, जो देखकर ये लोग खुश है। तभी क्रिलिन कह देता है गोकू से कि ये कौन है मिस्टर सेटन, इसको तो वैसे ही हरा देगा ना अपना ये ट्रंक्स, उसमें क्या ही बड़ी बात है, ये कौन सी बड़ी मैच होने वाली है। तभी विडेल उसकी तरफ देखने लगती है, तो गोहान बीच में आता है और कहता है कि हे क्रिलिन तुम बहुत मजाक करते हो, तुम्हें पता है ना वो नहीं हरा सकता। जहाँ विडेल ये देखकर शॉक में है और इधर एंड्रॉइड 18 और पिकलो भी सोच में पड़ रहे हैं कि ये किस लफड़े में पड़ गया है गोहान। इधर गोटन जो है वो वाकई में खुश दिख रहा है, जो कि कह रहा है कि ये बहुत बड़ी मैच होने वाली है ट्रंक्स तुम्हारी और मिस्टर सेटन के बीच में। जहाँ पर मिस्टर सेटन रेडी है, जो कि बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। तभी उनका वो पंटर भी कहता है कि अभी आपको जाना चाहिए। जहाँ मिस्टर सेटन चिल्ला भी रहे हैं और इसी नोट पे इस एपिसोड का एंड होता है। दोस्तों क्या वाकई में मिस्टर सेटन सीधा हरा सकते हैं ट्रंक्स को, या ट्रंक्स हरा देगा मिस्टर सेटन को? जानने के लिए हमें देखना होगा ड्रैगन बॉल जी का अगला एपिसोड। तब तक कीजिए लाइक इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। और तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज़।